किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वो भगवान के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे दिल से निकली आह अर्श तक जाती है। ना हक दो इतना कि तकलीफ हो तुम्हें, ना वक्त दो इतना कि गुरूर हो उन्हें। कोई और इल्जाम रह गया हो तो वो भी दे दो, हम तो पहले से ही बुरे थे, अब थोड़े और सही। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है, चंद लम्हों के बदले में वो आपको वर्षों का तजुर्बा देते हैं। अकर और अभिमान एक मानसिक बीमारी है, जिसका इलाज कुदरत और समय एक दिन जरूर करता है। दिल तो रोज कहता है मुझे कोई सहारा चाहिए, फिर दिमाग कहता है क्यों तुम्हें धोखा दोबारा चाहिए। वाकिफ हूँ बखूबी इस दुनिया की फितरत से, बहुत चाहते हैं लोग मगर जरूरत की तरह। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, नहीं तो ये आपके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होंगे। इतने प्यार से चाहा जाए तो पत्थर भी अपने हो जाते हैं, ना जाने ये मिट्टी के इंसान इतने घमंडी क्यों होते हैं। संबंध कभी भी मीठी आवाज या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वो टिकते हैं सुंदर हृदय और कभी न टूटने वाले विश्वास से। क्यों करते हो गुरूर अपने ठाट पर, मुट्ठी भी खाली रह जाएगी जब पहुंचोगे घाट पर। घमंड किसी का नहीं रहा साहब, टूटने से पहले तक गुल्लक को भी लगता है सारे पैसे उसी के हैं। धन से बेशक गरीब रहो पर दिल से रहना धनवान। अक्सर झोपड़ी पे लिखा होता है सुस्वागतम, और महल वाले लिखते हैं कुत्तों से सावधान। हाल पूछ लेने से हाल ठीक नहीं हो जाता, बस एक तसल्ली सी हो जाती है कि इस दुनिया के भीड़ में कोई अपना भी है। जिसकी जैसी नीयत है वो वैसी कहानी रखता है, कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पीने के लिए पानी रखता है। जिंदगी में कुछ दोस्ती नादानों से भी जरूर रखना, क्योंकि जरूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त रहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मुझे उनकी चालाकियां समझ नहीं आती, पर मैं खामोश खड़ा देखता रहता हूँ उनको अपनी नज़रों से गिरते हुए। कोई हालात को नहीं समझता तो कोई जज्बात को नहीं समझता, ये तो बस अपनी अपनी समझ है। कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब नहीं समझता। हमारा सलाहकार कौन है यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और पांडव श्री कृष्ण से। नसीहत वो सच्चाई है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और तारीफ वह धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। सौभाग्य से जो मिलता है उसे सात पीढ़ी भोगती है, पर जो छीन कर हासिल किया जाता है उसे सात पीढ़ी भुगतती है। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करे या ना करे, आधी से ज़्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। यहाँ हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है, दरवाज़ा खोल दो तो कोई पूछने भी नहीं आएगा। रोती हुई आंखें कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि आंसू तभी आते हैं जब कोई अपना दर्द देता है। वक्त कभी कुछ उधार नहीं रखता, इज्जत खुशी नफरत वफा सब दुगुना कर लौटा देता है। आहिस्ता चल ऐ जिंदगी, कुछ कर्ज चुकाने बाकी है, कुछ के दर्द मिटाने बाकी है, कुछ फर्ज निभाने बाकी है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं मेरी ज़िंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ़ बोलने वाले भी। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, जिसने रातों से है जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। आँख में पड़ा तिनका पैर में धसा कांटा, और रुई में दबी आग से भी ज़्यादा भयानक है दिल में छिपा कपट और पाप। गलत आरोपों को लेकर चिंतित न रहे, बल्कि उनका सामना करें
याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही देते हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर रखना ही उचित है। साझेदारी करो तो किसी के दर्द की करो, क्योंकि खुशियों के तो दावेदार बहुत है। मनुष्य गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। मनुष्य बगैर मुहूर्त के जन्म लेता है और बगैर मुहूर्त के उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन सारी उम्र वो शुभ मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। सारी उम्र यूं ही गुजर गए रिश्तों की तुरपाई में, कुछ रिश्ते पक्के निकले बाकी उघर गए कच्ची सिलाई में। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफ़ी मांग लिया करते हैं। इंसान अपना घमंड अपने अच्छे वक्त में दिखाता है, लेकिन उसका अंजाम उसके बुरे वक्त में दिखता है। वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर खुदा मेहरबान था।